WWE में ब्रे वायट और द फीन्ड के नाम से रेसलिंग करने वाले विंडहैम रोटुंडा का निधन हो गया। महज 36 साल की उम्र में उनका दुनिया को छोड़ जाना हैरान कर देने वाला वाकया है। पूर्व हैवीवेट चैंपियन ब्रे वायट WWE के खतरनाक रेसलर्स में से एक थे। वायट कुछ समय से गंभीर स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे थे। ब्रे वायट की मौत की खबर ट्रिपल एच ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी। WWE के चीफ कंटेंट ऑफिसर ट्रिपल एच ने इसकी जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए जब दी तो उन्होंने लिखा, अभी अभी मुझे हॉल ऑफ फेमर माइक रोटुंडा की ओर से एक कॉल आया जिन्होंने बताया कि विंडम रोटुंडा, जिनको ब्रे वायट के नाम से भी जाना जाता है, आज उनका निधन हो गया। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। हम अनुरोध करते हैं कि इस समय सभी लोग उनकी निजता का सम्मान करें। लेकिन ब्रे वायट की मौत की खबर सुनने के बाद द ग्रेट खली भी फवक फवक कर रो पड़े। उन्होंने कहा, अपने आप में ये सुनकर काफी ज्यादा दुख हुआ कि एक अच्छे खासे तंदुरुस्त बॉडी बिल्डर और रेसलर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक के जरिए ब्रे वायट का निधन हुआ, जिसके बाद खली ने उनके परिवार के साथ संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा, सुनकर काफी ज्यादा अजीब लगता है कि कल तक जिसके साथ रेसलिंग करी और उस रेसलिंग का हिस्सा भी था, लेकिन आज वो व्यक्ति हमारे सब बीच नहीं है। अचानक से दुनिया को छोड़कर चले जाना काफी गहरा सदमा है, सिर्फ WWE के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, जो उन्हें बखूबी जानते थे। लेकिन जिस तरह से ब्रे वायट के साथ ये सब हुआ है, खली काफी ज्यादा टूट चुके हैं। उन्होंने उनके परिवार के साथ संवेदनाएं जारी करते हुए अपनी बात कही। बहरहाल, आप सभी इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।